छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2023 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा ने जहां 90% तो कांग्रेस ने अपने 35% प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी है। अब दोनों दलों के घोषित प्रत्याशी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में कमर कसकर चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। इस दौरान दोनों पार्टियों का केंद्रीय नेतृत्व आए दिन छत्तीसगढ़ का दौरा कर माहौल अपनी पार्टी के पक्ष में करने की कवायदें कर रहा है। इन्हीं सब विषयों को लेकर भाजपा के इस प्रवक्ता केश चौहान ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं केश चौहान से हुई बातचीत के खास अंश। तो भारतीय जनता पार्टी की सूची आती है तो ये घबरा जाते हैं, ये बोलते हैं कि अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमारी पोल खुल जाएगी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हम ब्लॉक स्तर पे हम आवेदन लेना चालू करेंगे। तो ब्लॉक स्तर पे का आवेदन लाते हैं, 2790 आवेदन आते हैं इनके पास। वो जिला स्तर पे जाते हैं, जिला स्तर से राज्य की चुनावी कमेटी में जाते हैं, चुनावी कमेटी से स्क्रीनिंग कमेटी में जाते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी से ये केंद्रीय कमेटी में उसको भेजते हैं। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की खास पेशकश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले नवरात्र पर्व की सभी शहरवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जी दर्शकों, अभी अभी हमने गणेशोत्सव पर्व मनाया और अब नवरात्र पर्व की धूम चल रही है। आने वाले दिनों में दशहरा पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व दशहरा मनाया जाएगा, उसके बाद दीपावली। इन सभी में एक पर्व हमारा लोकतंत्र का पर्व है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चुनाव की, विधानसभा चुनाव जो हमारे आगामी दिनों में होने वाले, वो भी एक पर्व की तरह है। इस पर्व में भी आप सभी भाग लें और अपनी भागीदारी दें, अपने मत का प्रयोग करें और अपना उम्मीदवार, अपना मन चाहा प्रत्याशी उम्मीदवार चुनकर लाएं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ हैं केश चौहान सर, प्रदेश प्रवक्ता, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। चुनावी चर्चा के साथ कुछ धार्मिक चर्चा भी हम इनसे करेंगे, इसलिए आज इनके कम समय में हमने इनको आमंत्रित किया है। सर, आपका सबसे पहले स्वागत। आपके दर्शकों को भी और आपको भी नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सर, अभी चुनावी समर चल रहा है, आप देखेंगे चारों तरफ दुर्गोत्सव की धूम है और साथ ही साथ चुनावी जो समीकरण बन रहे हैं जिले सहित प्रदेश में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि भाजपा ने तो अपने प्रत्याशी घोषित कर ही दिए लगभग, लेकिन वही कांग्रेस की एक सूची आने के बाद अभी दूसरी सूची के लिए तारीख पे तारीख का दौर जो चल रहा है। ये सही कहा आपने, तारीख पे तारीख। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि 6 का पहाड़ा पड़ रहे हैं। जब 17 अगस्त को आती है सूची शाहिन जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सूची आती है तो ये घबरा जाते हैं, ये बोलते हैं कि अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमारी पोल खुल जाएगी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हम ब्लॉक स्तर पे हम आवेदन लेना चालू करेंगे। तो ब्लॉक स्तर पे का आवेदन लाते हैं, 2790 आवेदन आते हैं इनके पास। वो जिला स्तर पे जाते हैं, जिला स्तर से राज्य की चुनावी कमेटी में जाते हैं, चुनावी कमेटी से स्क्रीनिंग कमेटी में जाते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी से ये केंद्रीय कमेटी में उसको भेजते हैं। जो स्क्रीनिंग करके 273 लोगों का स्क्रीनिंग होता है, पैनल बनाया जाता है और 30 नाम जाते हैं ऊपर। तो 30 नाम जब जाते हैं तो वहां पर से ये बोल के वापस भेज दिया जाता है कि जो राज्य का सर्वे था और केंद्र का सर्वे था उनका, कांग्रेस का, उससे ये मैच नहीं खा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, दूसरी प्रक्रिया है। दूसरी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अभी जो ये 30 लोगों की जो लिस्ट आई है, कांग्रेस ने बोला कि हम पितृपक्ष के कारण नहीं कर रहे और हम जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा वैसे ही चालू वो कर देंगे। अरे ये 30 लोगों की आप लिस्ट, उसमें से अधिकतर तो आपके सिटिंग MLA ही हैं और आपने सिर्फ 8 विधायकों की टिकट काटी, उसमें से भी 4 लोगों को आपने नया ऐड किया। इसका मतलब ये है कि 12% आपने ऐड किया है न्यू फेसेस को। अब मेरे को ये बताइए कि जब उदयपुर में राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम 50% युवाओं को हम मौका देंगे, तो आपके 50% कहाँ है? जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये करके दिखा दिया कि 85 में से 43 लोगों को, 50 लगभग 50 से ऊपर प्रतिशत लोगों को टिकट दी है नए न्यू फेसेस को। तो आपके युवा कहाँ है? आपके जो लिस्ट निकली है उसमें 50% से ऊपर जो है वो 70 से 72% लोग हैं और उसमें से भी 60 साल से 74 साल तक
14 प्रत्याशी हैं आपके, तो आपने आपने ठगने की कोशिश की अपने जनता को भी और अपने कार्यकर्ताओं को भी। कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा ठगा है आपने, जिस जो कार्यकर्ता बहुत ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है अभी। जी, आपने कार्यकर्ताओं के ठगने की बात कही, अभी हम प्रदेश स्तर पर बात कर रहे थे, अब जिला स्तर पर करना चाहेंगे। दुर्ग जिला काफी सेंसिटिव कहलाता है। अभी अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो गजेंद्र यादव एक चेहरा है, हमने ऐसा ये सोशल मीडिया में देखा भी है और हमने सर्च भी किया है, काफी लोगों से पूछताछ भी की है। गजेंद्र यादव एक वो चेहरा है जिसे आम जनता पहचानने से इनकार करती है। देखिए, जब भी कोई न्यू फेस या आता है तो ये पॉसिबल नहीं होता है शाहिन जी कि 2-2.5 लाख जो जनता है वो उसको पहले से जानती हो, ये पॉसिबल नहीं रहता। लेकिन गजेंद्र यादव जी बहुत पहले से हमारे संगठन में निरंतर लगे हुए हैं और जमीनी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बूथ लेवल से लेकर यहाँ तक का सफर तय किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और कोई भी नया खिलाड़ी है तो भले ही दर्शक उसका खेल नहीं देखे होंगे, लेकिन वो खेल किसका देखने जाती है, वो जिताना किसको जाती है, तो टीम को जिताना चाहती है, इंडिया टीम को। जैसे आप जिताना चाहते हैं तो इंडिया टीम के लिए जो जनता है वो लग पड़ती है, उसका सपोर्ट करती है। और उसके बाद गजेंद्र जी जो है निश्चित रूप से जैसे जैसे समय आता जाएगा तो उनकी एक्टिविटीज भी सामने आएगी, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग है, जो कि हमारे दुर्ग शहर के लिए बहुत ही अच्छे प्रत्याशी। जिले के सांसद विजय बघेल पाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृहग्राम से चुनाव मैदान पे हैं, वहाँ पर बघेल वर्सेस बघेल ऐसा आंकड़ा सामने आ रहा है, किसी अन्य बघेल का भी वहाँ पर जिक्र है जिसमें 3 बघेल हो जाते हैं। क्या इसे चुनावी समर में असर पड़ेगा, चुनावी जो जो आंकड़े हैं उसमें असर पड़ेगा? देखिए, 3 हो या 30 हो, जनता किसको देखती है कि जनता ये देखती है कि विपक्ष की भूमिका किसने अच्छे से निभाई है। विजय बघेल जी हमारे पूरे भारत में ऐसे टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं जिन्होंने सर्वाधिक वोटों से सांसद का चुनाव जीता था, और हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले वो सांसद हैं। तो इसका कहीं इसको हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता वहां पर है, और वो मूलतः पाटन, उनका जो गृह ग्राम है वो पाटन ही है, तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं। और पहले भी भूपेश बघेल जी को हरा दिए, और जब भी उनको शिकस्त भी मिली भूपेश बघेल जी से तो 5-6% का ही वोट ऑफ परसेंटेज का अंतर था। अभी अभी आपने कहा कि 10 लीडरों में, 10 सांसदों में, टॉप सांसदों में जो सर्वाधिक मतों से जीते हैं इंडिया में, उनका उसमें इनका नाम। तो आपने था वर्ड लगाया, था जीता था, लेकिन वर्तमान में अभी कका की बयार ज्यादा देखी जा रही है लोगों की जुबान पर, कका का ही ज्यादा वो है। ऐसे में जो वहाँ के जो सांसद, अब हमारे जिले के सांसद हैं, अभी वहाँ पर दावेदारी करने के लिए कितने उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, चुनौतियाँ तो रहती हैं, कोई भी प्रत्याशी हो तो उनके लिए चुनौतियां रहती हैं, और यहाँ पर भूपेश बघेल जी के लिए भी चुनौती है, विजय बघेल जी के लिए भी चुनौती है। लेकिन विजय बघेल जी का इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं क्योंकि विजय बघेल जी अभी जहां पर भी जा रहे हैं जनता उन्हें बहुत ही सराखों पे बिठा रही है और उनका काम देख चुकी है, वो जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं यहाँ पर। भूपेश बघेल जी ने जो पहले जो वादे किए वो उनको उसको कहीं ना कहीं वो पूर्ण करने में वो अक्षम रहे, और ये सभी चीजें, और भ्रष्टाचार में लिप्तता, आप कोयला घोटाला ले लीजिए, आप शराब घोटाला ले लीजिए, आप राशन घोटाला ले लीजिए, आप रेत घोटाला ले लीजिए, जमीन घोटाला ले लीजिए, PSC घोटाला ले लीजिए, DMF फंड घोटाला ले लीजिए, क्या PSC के वहां की जो पाटन की जो नौजवान है, क्या वो जो PSC की तैयारी कर रहे थे तो क्या वो भूपेश बघेल जी को माफ कर देंगे? नहीं। और सिर्फ आप 1 या 2 मुद्दों से चुनाव नहीं जीत सकते, बहुत सारे मुद्दे
बहुत सारी सरकमस्टेंसेस परिस्थितियां ऐसी रहती हैं जो चुनाव जिताने में और हराने में मदद करती हैं। ध्रुव ग्रामीण की अगर बात करें तो पुराना चेहरा कह लें या फिर एक लंबी पारी अपनी राजनीति में खेले हुए राज्य के गृह मंत्री दामोदर साहू वहां से चुनावी मैदान में है ध्रुव ग्रामीण से, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना कैसा वर्चस्व बचा पाएगी? देखिए मेन बात यह है कि जो ताम्रध्वज साहू जी हैं वो गुटबाजी के चलते हो या खुद वो करना नहीं चाहते थे, जो उनका कार्यकाल रहा वो उतना प्रभावशाली नहीं रहा। गृह मंत्री होते हुए भी वो पीडब्ल्यूडी मंत्री होते हुए भी उन्होंने वो काम उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से करना चाहिए था और बहुत सारी नाराजगियां उस क्षेत्र में उनके प्रति हैं, उनके जो घर के जो लोग हैं उनके प्रति भी बहुत सारी नाराजगियां हैं। और जब बिरनपुर की घटना हुई थी साहू समाज का एक बच्चा वहां पर मॉब लिंचिंग में शहीद हो गया और उस साहू समाज के परिवार से भी यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में जो साहू समाज ताम्रध्वज साहू जी को एक अच्छी निगाहों से देखता है, एक अच्छे अच्छे लीडर के नाम से जानता है, वो वहां पर गए नहीं आज तक। क्या ये उनका दायित्व नहीं था कि वो वहां पर जाके मिल के आए, क्या दुख को बांट के आए? ये साहू अब जब वो साहू समाज के साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जब उनके दुख सुख के साथ ही वो खड़े नहीं है, तो वो अपनी दूसरी जो चीजें उसको कैसे अपना कर पाएंगे? और ये उनका बहुत बड़ा ड्रॉपबैक था कि वो अपने दायित्व को पूरी अच्छी तरह नहीं निभा पा रहे थे। साझा की बात करें, अभी आपने बीरनपुर की बात कही तो साझा की हम बात करना चाहेंगे। साझा में दोनों राष्ट्रीय पार्टी के अलावा एक तीसरी पार्टी काफी सक्रियता दिखा रही है, सोशल मीडिया में काफी वायरल भी है, जबकि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों का जितना क्रेज बोलना चाहिए, जितना मांग लोगों की अपने नेता को लेकर के है, उतनी दिखाई नहीं पड़ रही। तीसरी पार्टी की सक्रियता ज्यादा बढ़ गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए कभी कभी क्या होता है कि ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी रहती है वो दिखाई नहीं देती और कभी कभी ऊपर की जो चमक धमक है वो दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो अपना आकार लेना चालू करती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो स्वरूप अलग अलग बढ़ते जाता है। तो अभी चुनाव एक बच्चे के जैसे है, जैसे जैसे वो ऊपर होते जाएगा वैसे उसकी खूबसूरती, वैसे उसका तेज, वैसे उसका मतलब आकृति वो बढ़ाते चले जाएगा, तब तो हमारे को क्लियरिटी स्पष्ट होगी कि ये कैसा कैसा होने वाला है और कैसे नहीं होने वाला है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी में जो ग्राउंड की जो पकड़ रहती है, जब ग्राउंड में रियलिटी रहती है वो एक अलग रहती है, वो बाद में उजागर होती है। कांग्रेस का नारा अब की बार 75 पार, क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे 75 पार करेंगे आप कि अपने दर अपने जनता को ठग के 75 पार करेंगे? क्या जनता आपको इसलिए वोट देगी कि आपने अपराध की सीमा लांघ दी, अपराधियों को शरण दिया है? क्या जनता इस वजह से आपको बोलेगी कि आपने व्यापारियों को तंग करके रख दिया है, उनका मैनिपुलेशन करके रख दिया है? क्या जनता आपको 75 पार इसलिए करके देगी कि आपने भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ दी? क्या जनता इस बार 75 पार इसलिए करके देगी कि आपने शराबबंदी कर दी है, नहीं करी है, अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया है, आपने 1500 वृद्धा पेंशन नहीं दी है, विधवा पेंशन नहीं दी है, आपने स्व सहायता समूह के बेरोजगार महिलाओं का जो कर्जा है वो माफ नहीं किया है? क्या 22,000 रेडी टू ईट महिलाओं का आपने रोजगार छीन लिया था? क्या और आउटसोर्सिंग बंद नहीं की, आपने PSC घोटाला कर दिया, आपने भर्तियां अच्छे से नहीं की, किस लिए आपको 75 पार करके देगी? और अभी ये सर्वे में पता चला था कि 66% लोग ने ये बोला है कि हम अपने वर्तमान विधायक से नाखुश हैं। तो क्या इस वजह से? और इनका इंटरनल सर्वे भी हुआ था जिसमें से इनके जो 70-72 जो विधायक हैं उसमें से 37 विधायक तो हार रहे थे और उनको फिर से टिकट दे दिया गया है। आप गिनवा आप लिख के ले लीजिए जो जितने इनके मंत्री थे
6 से 7 मंत्री इनके 100% हारेंगे। मैं आपके चैनल में फिर से बैठूंगा जिस दिन 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा, बट बैठूंगा और इस बात को आप याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रियों का वर्तमान में काफी दौरा देखा गया, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री इन दिनों काफी दौरे लगा चुके हैं छत्तीसगढ़ के, क्या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? असुरक्षित महसूस वो करता है जो गलत करा, सुरक्षित महसूस नहीं करता वो कभी। आप अगर मान लीजिए कि जो टीम है, टीम वर्क है, हम टीम वर्क के हिसाब से अगर किसी को एक्सपर्ट को बुलाते हैं या अनुभव साझा करते हैं, तो ये असुरक्षा कहाँ से हो गई? हमने गलत नहीं किया, हमने कुछ गलत तो नहीं किया, हम टीम तो खिलाड़ी ही खेलेंगे, मैच तो खिलाड़ी ही खेलेंगे, लेकिन कोच की अपनी एक भूमिका रहती है। डर कौन रहा है? तो डर अलग दूसरी पार्टियां रही हैं। दूसरी पार्टियां इसलिए डर रही हैं क्योंकि उन्होंने गलत किया है, और जो हमारी तैयारी है, हम अपनी इतनी संवेदनशीलता से ले रहे हैं, तो उससे वो घबराहट हो रही है उनको, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, वो चुनाव किसी और दम पे जीतना चाहते थे, काम के दम पे। जनता सब जानती है, जनता ये देखती है कि आप क्या कर रहे हो, जनता ये नहीं सुनती कि आप क्या कह रहे हो। दुर्ग जिले की बात करें तो वर्तमान में चर्चाओं में भी था, आप एक जाना पहचाना चेहरे भारतीय जनता पार्टी में काफी सक्रिय, लंबी सेवा भी दी है आपका, आपके ने फादर की अगर बात करें वो भी राजनीति के परिप्रेक्ष्य थे, आपका चेहरा ही सामने आने की बातें चर्चा चल रही थी, उस पे क्या कहना चाहेंगे? चेहरा आपने टिकट की मांग की थी? ना, मैंने कभी टिकट की मांग नहीं की। चेहरा एक ही रहता है और वो है कमल का निशान, और ये कमल का निशान क्या है? कमल का निशान काम के प्रति जाना जाता है, और आज भी जो भी जनता जो वोट देगी भारतीय जनता पार्टी को, वो उसके कामों को देख के देगी। जो 15 साल हमारा सुशासन चला है, जो केंद्र के हमारे जो काम चल रहे हैं, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ेंगे। मैं मानता हूं कि प्रत्याशी भी अपने आप में एक उसको देख के भी वोट पड़ते हैं कि वो कितना सक्रिय है कितना नहीं है। और दूसरी बात क्या होता है शाहीन जी, कि कभी भी किसी चीज को पाने से ज्यादा जरूरी है किसी चीज के लायक बनना। अगर हम उस चीज के लायक बन जाते हैं तो हम वो काम कर सकते हैं जो हम उस ओहदे में रह के करें या ना करें, लेकिन हम लोग उस काम को कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ग्रैंड एशिया के दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ग्रैंड एशियन के दर्शकों को सबसे पहले बहुत ज्यादा हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हमारे नवरात्र की, और हमारे भारत में जितने भी भारतवर्ष में जितने भी त्योहार आते हैं वो बहुत साइंटिफिक रहते हैं, और सिर्फ नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, पॉजिटिविटी को लाने के लिए ये रहते हैं। माँ दुर्गा माता आपकी पूरी मनोकामना पूर्ण करें, लेकिन पूर्ण कब होती है? क्योंकि भगवान या माता ये नहीं चाहते हैं कि आप उनके भरोसे रहें, आप उन पे विश्वास रखें, ये चाहती है। और वैसे ही जनता भी यही चाहती है कि आप हमारे भरोसे ना रहें, हमारे पर विश्वास करें, तब जाके विश्वास एक अलग चीज होती है, भरोसा एक अलग चीज होती है। तो हम किसी के भरोसे ना रहें, भगवान भी ये चाहते हैं कि आप अपना काम करें, या आप जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन आप विश्वास करें अपने कर्मों पर और कि आपको फल जरूर मिलेगा अगर आप काम करेंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में अपने अल्प समय में थोड़ा सा समय हमें देने के लिए।